हमें प्रत्याशी भी पसंद है और भारतीय जनता पार्टी भी पसंद है। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने तीन बार धरना प्रदर्शन किया, 37,000 की गिरफ्तारी दी, फिर 25,000 की गिरफ्तारी दी और अभी हाल ही में उन्होंने 50,000 की गिरफ्तारी दी। गोल ये बनाया है कि भाजपा जीतेगी, भाजपा की सरकार है, भाजपा आगे है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव इन दिनों अपने सरगर्मियों पर चल रहा है और इसी बीच में दीपावली का त्यौहार आ गया है। दीपावली का आज त्यौहार है, सभी लोगों के द्वारा दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार संपर्क खबर के द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाया जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदाता मतदान करेगा। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज में आज हम लोग पहुँचे हैं। मऊगंज विधानसभा है ये और मऊगंज में यहाँ पर हम लोग अभी मऊगंज बाजार में खड़े हुए हैं। ये बस स्टैंड है, मऊगंज का मेन चौराहा इसी को बोला जाता है, तिराहा है, यहाँ पर बस स्टैंड जाने का रास्ता है। ज़्यादातर मऊगंज की भीड़ यहीं पर आती है। हम लोग जानेंगे कि इस बार मऊगंज का मतदाता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगा और मऊगंज के सियासी समीकरण क्या हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, पहले तो हम आपसे जानेंगे कि क्या है इस बार मऊगंज का सियासी समीकरण। समीकरण सभी जनता ने अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, इनसे बात करिए, हमारे एक भाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगा। काका, दिवाली की तैयारी पूरी हो गई? कैसी रहेगी इस बार की दिवाली? दिवाली एक नंबर की रहेगी। अब चुनाव भी चल रहा है, दिवाली का त्यौहार आ गया है, क्या लगता है इस बार मऊगंज का मतदाता क्या मूड बनाया है? मूड ये बनाया है कि भाजपा जीतेगी, भाजपा की सरकार है, भाजपा आगे है। क्या भाजपा में ऐसा यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने किया या फिर सरकार ने किया? सरकार ने किया, क्या नहीं किया तो क्या हुआ? सरकार ने किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या किया, वही सब कुछ किया, सब कुछ में किया, सब कुछ के मतलब एक काम बता, गरीबों का घर दी, शरण दी, कार नहीं दी, ये बताइए और क्या? रोड बनवा दिए, जिला बनवा दिए, कौन बनवाया, कौन सरकार बनवाया, कौन बनवाया, आप बताइए, बीजेपी बनवाई, आप बताइए, बीजेपी बनवाई है। बिल्कुल, क्या नाम है काका? उपेंद्र गुप्ता। कहाँ के हैं? मऊगंज निवासी। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहेगा मऊगंज में? इस बार का चुनाव जो है वो करीब करीब मऊगंज की जनता के सामने है। और जहाँ तक रही बात विकास की, तो विकास करना एक अच्छी बात है, लेकिन विकास ऐसा ना होना चाहिए कि एक टूटे फूटे लोग जो 150 रुपए कमा रहे हैं और कमाने के साथ उनको उजाड़ दिया जाए और उजाड़ने के बाद उनके लिए कोई व्यवस्था ना हो, ये तो विकास के मुद्दे तो नहीं। आप यहाँ पे जो अतिक्रमण हटा है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ। तो क्या यहाँ पे कितने ऐसे दुकानें थी जिन्हें गिरा दिया गया था? करीब 100 के लगभग दुकानें। तो अब वो लोग तो कहीं अन्यत्र जगह दुकानें लगा लिए होंगे? नहीं लगाए, वो जो जिस गांव का यहाँ रह रहा था वो उस गांव के लिए वहाँ यहाँ से चला गया। तो क्या इस चुनाव में उस बात का भी ध्यान अब रखा जाएगा? काहे नहीं रखा जाएगा, जो पीड़ित है वो तो रखेगा। और क्या लगता है, आप यहाँ पे दुकान करते हैं या फिर सिर्फ यहाँ पे घर है? नहीं, यहाँ पे घर है, दुकान वकान नहीं करते। दुकान आप जाते होंगे अगर कहीं अपने अड़ोस पड़ोस में, तो कुछ चर्चाएं तो चलती होंगी क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव अपने चरम पर है। चुनावी माहौल है, उसके लिए जो प्रत्याशी सामने आएंगे, प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए यहाँ की जनता की मांग है कि स्थानीय विधायक होना चाहिए, मुझे लोकल चाहिए। क्या आप मतदान इस बार कर रहे हैं? हाँ, पिछली बार भी किया था। कांग्रेस के, हाँ, इस बार मेरा नाम जुड़ गया है। इस बार नाम जुड़ा है, नए मतदाता हैं। क्या इस बार किसको मतदान करेंगे? कांग्रेस। क्या कांग्रेस में क्या आपको ऐसा दिखता है कि आप कांग्रेस को ही मतदान करेंगे? विधायक जी पहचान के हैं, लोकल हैं, कांग्रेस के हैं,
अच्छा, आप यहाँ के लोकल प्रत्याशी को देख रहे हैं, क्या कुछ उनमें खूबी आपको नजर आती है या फिर सिर्फ पहचान के? नहीं, सुनील बन्ना भी ने काम किया था, लड़ाई लड़े हैं सुनील बन्ना, और जो काम लक्ष्मण तिवारी चुनाव लड़ाई लड़े थे मऊगंज से जिला के लिए, तो उनका भी विकास में बहुत योगदान है। बारिश का पानी आ रहा है, घोषणा कहने के लिए विधायक जी काम कर रहे हैं, विकास होगा मऊगंज का, बन्ना जी बहुत सपोर्ट किए हैं मऊगंज का। बाढ़ सागर के पानी के लिए अभी बोले हैं, बाढ़ सागर के पानी पर यहाँ के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह भी दावा करते हैं कि हमने भी लड़ाई लड़ी, यहाँ के वर्तमान विधायक भी दावा करते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, क्या लगता है मऊगंज वासियों को, क्या लगता है कि लड़ाई किसने लड़ी और किसने घर घर तक पानी पहुँचाया? मऊगंज में इस बार प्रदीप पटेल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 180 प्लस सीट आ रही है। मऊगंज में प्रदीप पटेल ही क्यों? क्योंकि मऊगंज जिला बना, मऊगंज में हनमना में कॉलेज बनी और सारे कई विकास कार्य हुए, जैसे सड़क है बन रही है, अभी काम चालू है और सारे आने वाले दिन में कई सारे विकास होंगे। आप यहाँ पर प्रत्याशी देख रहे हैं या फिर पार्टी? हमें प्रत्याशी भी पसंद है और भारतीय जनता पार्टी भी पसंद है, दोनों चीज पसंद, दोनों चीज पसंद, मतलब मन का टिकट से भारतीय जनता पार्टी को है ना, अपने पसंद है, अपने अपने बिल्कुल अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये चीज रहनी चाहिए कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उसने काम क्या किया। सुराज सिंह ने क्या कहा 2018 में भी मऊगंज में आए थे, मुझको एक विधायक दीजिए मैं मऊगंज का जिला बनाऊंगा, एक मऊगंज जनता ने एक विधायक दिए, एक विधायक यहाँ हर व्यक्ति मतलब सरकार अगर कांग्रेस की है तो यहाँ बीजेपी आती है, यहाँ बीजेपी आएगी वहाँ सरकार कांग्रेस की रहेगी, यहाँ उल्टे होते हैं हमेशा 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 चलते। लेकिन इस बार तो विधायक, इस बार की सरकार कांग्रेस की थी, तो सिंधिया जी पलट गए हैं तब सरकार बीजेपी बन गई है। क्या लगता है किस ओर जाएगा यहाँ का मतदाता? इस बार मऊगंज का हर एक युवा सिर्फ विकास के नाम पर वोट करेगा। जहाँ तक देखा जाए पिछले 5 सालों में प्रदीप पटेल जी के द्वारा कोई भी विकास कार्य दिख नहीं रहा, सिर्फ एक सड़क का निर्माण कराया गया, जो भी निर्माण कराया गया वो बिल्कुल विफल है, ना कोई प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिस तरह डिवाइडर में दुर्घटनाएं हुई हैं, आए दिन यहाँ युवा एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं और उसका कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं था, जिस तरह यहाँ के व्यापारियों को बेघर किया गया, ये प्रदीप पटेल की बिल्कुल विफलता दिख रही थी। बिल्कुल, अभी तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि मऊगंज जिला बन गया है, प्रदीप पटेल की देन है, सड़क बन गई, डिवाइडर बन गया, बाण सागर का पानी आ गया, कई बातें गिनाई जा रही थी। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जिले की लड़ाई पहली लड़ाई नहीं है कि जिन्होंने प्रदीप पटेल ने ही लड़ा था, इससे पहले माननीय लक्ष्मण तिवारी जी ने भी 1 साल तक धरने पर बैठे थे, माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने 3-3 बार धरना प्रदर्शन किया, 37,000 की गिरफ्तारी दी, फिर 25,000 की गिरफ्तारी दी और अभी हाल ही में उन्होंने 50,000 की गिरफ्तारी दी, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी को दबाव में आकर जनता के दबाव में देखते हुए उनको जिला बनाना पड़ा। चलिए, जनता के दबाव में आकर जिला बना है, क्या क्या लगता है आपको? सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बनवाए हैं क्या? दबाव में आकर जिला, जनता के दबाव पर, जनता के दबाव पर। क्या लगता है इस बार मऊगंज का मतदाता किसे चुन रहा है? जब तक सहारा से भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। तो बिल्कुल आ जाइए ना, सहारा का क्या कैसा मैटर है वही तो बताइए, सहारा का क्या मैटर है पहले पूरी बात बताइए। सहारा का मैटर ये है कि जब तक सहारा से पैसा नहीं मिलना तब तक मतदान होना कोई संभव नहीं। अभी तो मऊगंज की जनता बोल रही है कि हम तो भैया वोट करेंगे फला पार्टी को, फला प्रत्याशी को। जब तक सहारा से भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। ये आपका व्यक्तिगत मत है। अभी तो कुछ पैसे मिल भी रहे थे, किस्त में आ रहे थे सहारा के। 2013 से आज तक कोई भी पैसा मिलने का संभावना नहीं। नहीं, अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा था, भरा जा रहा, किसी भी के अकाउंट में भी पैसे आया हो तो बताया जाए, जिसके अकाउंट में पैसा आया हो और किसी के भी मैसेज आया हो, सिर्फ मोदी जी सिर्फ यही बोला जाता है कि अब ये प्रकरण खत्म होने वाला है और सहारा से भुगतान होने वाला है।
और भुगतान नहीं हुआ। आज तक भुगतान किसी का होने का कोई संभावना नहीं। मतलब इस बार मतदान का बहिष्कार करें। सिर्फ एक ही मतदान का कारण है कि जब तक सहारा से भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। चलिए, जब तक सहारा से भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि सड़क छोड़ देते हैं। और एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल सहारा के बारे में बात करेंगे, लेकिन भीड़ उधर से इधर आ जाइए क्योंकि सड़क उधर से जाम हो जाती है। काका क्या नाम है? हमारा मोहम्मद रफीक नाम है। कहाँ के? हम मऊगंज के हैं। मऊगंज? हम लोग प्राप्त मऊगंज के। यहाँ हम लोग सिर्फ सहारा से बिल्कुल हम लोग बेतवाह करके चला गया है। कितना पैसा आपका जमा था? 20-22 लाख रुपए है। 20-22 लाख? हाँ, हम लोग को बिल्कुल सब सहारा ने सबने उजाड़ खंड कर दिया। अब हम लोग किसी तरीके से एक एक पैसा सब कोई काट काट के अपना धारा सोचे कि लड़का बच्चों को शादी किया, उसमें से कोई पैसा देने वाला नहीं है। और अभी तो फार्म भरे जा रहे थे, बोले जा रहे थे कि पैसे मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? किसका? किसी का मिला है? किसी का है? कोई किसी का नहीं मिल रहा है, ना कोई मिला है। किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है। मतलब ना कोर्ट कोर्ट भी कोर्ट में सुनाई हो रहा, ना थाने में सुनाई हो रहा, ना सरकार की सुनाई हो रहा, कहीं नहीं सुनाई हो रहा है। 20-22 लाख रुपए फंसे हैं। अरे व्यापार क्या करते हैं? व्यापार करते हो हम सब तो मैंने हर अभी हाल ही में जैसे हमारे एक बड़े भाई थे, उन्होंने आपको बताया कि प्रदीप पटेल जी द्वारा क्या क्या विकास किए गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिविल अस्पताल माननीय विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना जी की लाई हुई है, और यहाँ का लॉ कॉलेज वो भी माननीय सुखेन्द्र सिंह बन्ना जी द्वारा ही लाया गया है। ये किस सन में लाया गया था? ये 2016 में माननीय विधायक जी के द्वारा पहले से ही इसका प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया था। और जहाँ तक चौरा घाट की बात है, वो माननीय विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना जी के रहते ही इसका कार्य शुरू हो गया। सिविल अस्पताल और लॉ कॉलेज को स्वीकृति कब मिली थी? ये माननीय जब विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना जी थे तभी इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी। और निर्माण कार्य कब से? निर्माण कार्य माननीय बन्ना जी के कार्यकाल में ही भूमि पूजन इसका हो चुका था। उसके बाद तत्कालीन चुनाव हुआ, उसके बाद फिर नए विधायक बने, उन्होंने अपना श्रेय लेने के लिए आनंद फानंद में ही हॉस्पिटल का भूमि पूजन पुनः कराया। क्या नाम है? कुछ नहीं नाम है, कोई नाम ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। क्या नाम है काका? उमेश। कहाँ के हैं? कहाँ के? यही बाजार के। किधर जा रहा है मऊगंज का मतदान? क्या मालूम कहाँ जा? अरे आप किन मुद्दों को लेकर किसको मतदान करेंगे? केहू को ना दे, जब केहू एक रुपया देते नहीं के कर दे, केहू को माने जे रुपया दे यो का दे, केहू को दे बन कर समझ नहीं आ वोट डाले का, वोट डाले का समझ नहीं है ना कर वोट डाले समझ। का करी थे? का करी थे? मजदूरी मजदूरी। मतदान तो देश के ताकत ही आई तब न बनाऊ के जे राज करी। चलिए कोई नहीं, यहाँ हम लोग मऊगंज में खड़े हुए हैं, मऊगंज में कई लोग हैं और तरह तरह की अपनी राय दिए। कुछ लोगों के द्वारा तो परिवर्तन की बात कही गई, कुछ लोगों के द्वारा यह बोला गया कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उन्हीं के द्वारा अच्छा विकास कार्य किया गया है और हम लोग फिर उधर ही मतदान करेंगे। इसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग आए जिनके द्वारा सहारा की बात उठाई गई। आपको बता दें कि सहारा कंपनी के द्वारा पूरे देश में कई लोगों का पैसा रोक लिया गया है और यह बताया जा रहा है कि इसका प्रकरण चल रहा है और जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने पाई पाई इकट्ठा करके सहारा बैंक में रखा था, अब वह लोग एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं और अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में ऑनलाइन फार्म भरवाया जा रहा था और यह बोला जा रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आया गया और लोगों से बात की गई तो इनके द्वारा बताया गया एक रुपए भी नहीं मिले हैं। हालांकि इस चुनावी माहौल में सहारा का यह मामला भी तेजी के साथ अब तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना तो यह दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को जो मतदान होगा किस ओर मऊगंज का मतदाता जाता है, और 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा उसमें मऊगंज का विधायक कौन होता है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आती है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।